जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, तुर्की आप सभी को पता है भयानक आपदा से उभरने की कोशिश कर रहा है और भारतीय सेना के जवानों ने तुर्की में मोर्चा संभाला हुआ है राहत बचाव कार्य के लिए। और दोस्तों, इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से तुर्की के लोगों को एक स्पेशल संदेश दिया गया है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले डाटा की बात करते हैं। अभी तक के मुताबिक दोस्तों, तुर्की और सीरिया में करीब 21,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस प्राकृतिक आपदा में, साथ ही इन्हें प्राकृतिक आपदा से बचाया नहीं जा सका। वहीं दोस्तों, तुर्की और दोस्तों बात करें भूकंप के झटकों की, तो तुर्की और सीरिया में अब तक करीब 1500 भूकंप के झटके आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं, तुर्की और सीरिया ने करीब अभी तक 1500 से भी ज्यादा भूकंप के झटके झेल लिए हैं और यही कारण है दोस्तों, तुर्की और सीरिया में भयंकर तबाही मची हुई है। वहीं दोस्तों, हमारी सेना ने, हमारे भारत माँ के वीर सपूतों ने कई हजार लोगों को रेस्क्यू कर लिया है जब से वे तुर्की पहुंचे हैं। साथ ही दोस्तों, घायल लोगों का इलाज भारत के सैन्य अस्पतालों में हो रहा है ताकि दोस्तों घायल लोग जल्द से जल्द रिकवर कर सके। और इसी बीच दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से तुर्की के लोगों को एक विशेष संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि तुर्की के लोगों की मदद के लिए हमारी भारतीय सेना और NDRF की टीम ऑपरेशन दोस्त को जोर शोरों से चला रही है और साथ ही आने वाले समय में भारत की तरफ से तुर्की को लेकर जो भी मदद बन पाएगी या तुर्की को जरूरत होगी, भारत करने के लिए तैयार है। इस आपदा की घड़ी में तुर्की में जो भी लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, भारत उन सभी लोगों के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और आने वाले समय में भी तुर्की की और तुर्की के लोगों की मदद के लिए जो भी बन पाएगा वो हम सभी उपाय करेंगे। और दोस्तों, बात करें अभी तक के आंकड़ों की, तो तुर्की समेत दुनिया भर की रेस्क्यू टीमों को मिलाकर अभी तक 80,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से कुछ का इलाज अस्पतालों में चल रहा है और कुछ लोगों को रहने और ठहरने के लिए स्पेशल जगह दी गई है। तुर्की के भारत विरोधी रवैये को देखते हुए भी भारत सरकार का तुर्की का इस तरह मदद करना आप सभी की नजरों में क्या है? साथ ही क्या भारत को तुर्की की मदद के लिए और रेस्क्यू टीम्स या इक्विपमेंट तुर्की भेजने चाहिए? आप सभी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।